नमस्कार साथियों, मैं विकास कुशवाहा आपका स्वागत करता हूँ लेक्चर नंबर 24 में। आज हम देखने वाले हैं 3.3 का क्वेश्चन नंबर थर्ड। आइए स्टार्ट करते हैं क्लास 11th मैथ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का। साथियों देखिए, इसमें क्या दिया गया है, कॉट दिया गया है, पाई बाय 6 दिया गया है, कॉस 6 दिया गया है, पाई बाय 5 पाई अपॉन 6, 3 10 का स्क्वायर पाई बाय 6 इक्वल्स टू में क्या दिया गया है 6। साथियों इसमें हमको प्रूव करना है क्या इन सभी का सम इक्वल्स टू करके 6 आता है कि है कि नहीं है। ठीक है साथियों, प्रूफ दैट करना है। फिर क्या करेंगे, इसको हम एक साथ लिख लेंगे कॉट पाई बाय 6 का, साथियों क्या करेंगे अपन स्क्वायर करेंगे प्लस। साथियों मैं आपको कुछ जो भी रफ वर्क होगा साथियों, जो भी रफ वर्क होगा मैं आपको ब्लैक से करके दिखाऊंगा। देखिए साथियों आप ध्यान से देखिए, साथियों देखिए इसमें क्या दिया गया है, पाई बाय 6 दिया गया है। अपन इसकी जगह अपन क्या रखते हैं, 5 मल्टीप्लाई बाय 180 रखेंगे और अपन में 6 6 मतलब 6 6 3 इज 18 ठीक है साथियों, 5 3 इज 15 150 डिग्री आ गया साथियों। तो अब अपन क्या करेंगे, इसकी जगह सिर्फ 150 डिग्री रख देंगे। ठीक है 150 डिग्री रख देंगे साथियों, क्या रखेंगे साथियों 150 डिग्री। तो अपन क्या लिखेंगे कॉसेक, अपन ने कितना निकाला साथियों 150 डिग्री निकाला है ना साथियों, 150 डिग्री निकाला है। ठीक है साथियों, ये हम 180 डिग्री तब रखेंगे जब पाई के साथ में कोई डिजिट दी गई होगी, तो अपन 180 डिग्री रखेंगे। ठीक है और प्लस क्या जाएगा 3 और क्या दिया गया 10 पाई बाय स्क्वायर, 10 पाई बाय 6 का क्या हो जाएगा साथियों स्क्वायर आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा यूएस ये, और ये क्या आपने लिया है LHS लिया है, क्या लिया है LHS। इसको सॉल्व करने पर साथियों कितना आएगा अंडर रूट 3 आ जाएगा, क्या जाएगा अंडर रूट 3 आ जाएगा साथियों, अंडर रूट 3 का स्क्वायर। साथियों अगर आपने हमारे पहले के लेक्चर्स नहीं देखे बेसिक्स के तो आप जरूर देखिए, क्योंकि इसमें मैंने इन सभी की जैसे कि पाई बाय 6 क्या होता है सिक्स दिए, पाई बाय क्या दिया गया है 6 दिया गया है, तो पाई की जगह अपन क्या रख देंगे 180 डिग्री रख देंगे, अपन में 6 आ जाएगा 6 6 6 18 30 डिग्री आ गया। मतलब कॉट का 30 डिग्री का वैल्यू कितनी होती है अंडर रूट 3 होती है, कितनी होती है अंडर रूट 3 होती है साथियों। ठीक है अब 150 का अपन कितना फैक्टर कर सकते हैं, देखिए 180 माइनस क्या हो जाएगा 30 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 180 डिग्री। अपन पहले क्या लिखेंगे कॉसेक लिखेंगे, क्या लिखेंगे साथियों कॉसेक, कॉसेक क्या लिखेंगे 180 डिग्री माइनस 30। साथियों इसका काम क्या होता है, इसका काम सिर्फ इतना होता है कोऑर्डिनेट पता करना, ठीक है 180 की जगह पाई लिख सकते हैं। ठीक है साथियों तो यह फर्स्ट कोऑर्डिनेट 90, ये 180, फिर इसका कहना पीछे आना है 30 माइनस करना मतलब सेकंड कोऑर्डिनेट है। ठीक है साथियों, साथियों अब ध्यान से देखिए अभी क्या दिया गया है 3 10 पाई बाय 6 की वैल्यू क्या होती है साथियों, क्या होती है 1 होती है, क्या होती है 1 होती है, 1 का स्क्वायर क्या होता है साथियों 1 ही होता है ऑफ कोर्स, इस पे कुछ नहीं होता है, क्या जाएगा 8 साथियों 3 आ जाएगा रूट से इसका कैंसिल हो जाएगा प्लस, अब 30 आ गया, क्या आ गया साथियों कॉसेक 30 डिग्री, कॉसेक 30 डिग्री। अब सेकंड कोऑर्डिनेट पे क्या होता है उसमें माइनस में जाएगा 30 डिग्री के प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय 1 कितना होगा 1 का स्क्वायर कितना होता है 1 ही होता है। ठीक है साथियों और ये अंडर रूट 3 दिया गया साथियों है ना, तो इसमें क्या होगा अपना देखिए, इसकी 10 की वैल्यू इसमें अपनी पता क्या होगी, या अपन साथ थोड़ा गलत निकाला है, ये देखते हैं जैसे कि क्या साइन की वैल्यू होती है साइन, ठीक है पाई बाय 6 मतलब किसकी वैल्यू निकाल ली 30 की निकाल ली, 10 30 की 1/2 1/3 होती है, क्या होती साथियों 1/3 होती है अंडर रूट में। आइए देखते साथियों एक बार, ये अंडर रूट में होती है साथियों। ठीक है यहाँ पे मैं क्या लिख देता हूँ 1/√3 कर देता हूँ। ठीक है साथियों ये होता ही नहीं है, है स्क्वायर आ गया, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा, 3 1 3 3 2 1 1 तो बचा क्या साथियों 1 बच रहा है। ठीक है साथियों यहाँ पर अब अपन क्या करते हैं साथियों, देखिए 1 बच रहा है इधर यहाँ पर 3, अब कॉस 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है 3 प्लस क्या होती है कॉस की वैल्यू कितनी होती है 2 होती है, अपन में क्या जाएगा 1, अब इन दोनों का प्लस करने पर 3 2 1 इसको मिला कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। साथियों देखिए साइन की वैल्यू साइन थीटा की कॉस थीटा टेन थीटा, ठीक है साथियों क्या होगा इसकी 0 0 डिग्री की 30 डिग्री की 45 डिग्री की 50 डिग्री की और 90 डिग्री की 0 1/2 1 √2 √3/2 1 ठीक है साथियों 1 √3/2 1 √2 1/2 0 इसमें क्या जाएगा साथियों 0 1/√3 आ जाएगा साथियों, इसमें क्या जाएगा 1, इसमें क्या जाएगा साथियों अंडर रूट 3, यहाँ पे क्या जाएगा इनफिनाइट। ठीक है साथियों, साथियों अब मिलेंगे अगले लेक्चर में और कुछ नया सीखेंगे, जब तक साथियों देखते रहिए। ठीक है साथियों सारे लेक्चर, साथियों जो भी हमारे लेक्चर में पहली बार देख रहा है जय प्लेलिस्ट में चेक करिए, हमने इसकी सारी सीरीज अपलोड की साथियों, जब तक के लिए साथियों धन्यवाद, थैंक यू, मिलेंगे अगले लेक्चर में और कुछ नया सीखेंगे, जबरदस्त सीखेंगे।